नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों, हमें आशा है कि पिछली एक्सेल पर बनाई हुई सभी वीडियो आपके बहुत काम आई होगी एक्सेल को आसानी से समझने के लिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो और नए टूल्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है फ्रिज, पेंस और स्प्लिट। अब ये क्या है, इसको आप किस तरह से उपयोग कर सकते हो, इसके बारे में हम विस्तार से आज आपको बताएंगे, जिसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस विषय से संबंधित, और आपको एक्सेल इस्तेमाल करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। पर उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपके पास कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी है और आप उसको स्लो होने से बार बार परेशान हो चुके हो, तो उसके लिए आपको उसमें जंक फाइलें डिलीट करनी होती है। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो बार बार यही सब आएगा कि आप किस तरह से उनको डिलीट करो। पर विंडो में एक और भी ऑप्शन ऐसा होता है जिसके बाद आपका वो जो जंक फाइल है जो आपके किसी काम की नहीं है, वो अपने आप ही इसमें डिलीट होती रहे और आपका पीसी जब भी आप ओपन करो तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा सही रहे। तो वो आप किस तरह से उपयोग कर सकते हो, उस पर हमने पहले वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में और वीडियो के आखिर में आपको दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। पर उससे पहले आज का विषय हम देख लेते हैं। तो उसके लिए अब दोस्तों, मान लीजिए ये एक टेबल है। अब इसमें ऊपर आप देख सकते हो कि इसमें नाम है और इधर इसमें डेट लिखी हुई है। अब इसको अगर आप नीचे करते हो तो आप देख सकते हो कि ऊपर का जो जितनी भी नाम की लिस्ट थी वो जा चुकी है और अब आपको नहीं पता कौन सा डाटा किसका है। और इधर आप कर देते हो तो ये देख सकते हो कि डेट भी इधर जा चुकी है और अब आपको नहीं पता कि कौन सी डेट में क्या डाटा है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हम व्यू में जाएंगे और जो भी हिस्सा हमें स्टॉप करना है उसके नीचे हम इधर क्लिक करेंगे। जैसे हमें ऊपर की रो फ्रीज करनी है तो इस पर क्लिक करके हम इधर फ्रीज पेंस इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसमें दो ऑप्शन है, एक ये फ्रीज पेंस, इसमें आप जब भी इसका उपयोग करोगे तो आप जैसे हमने बताया कि जैसे ऊपर की लाइन स्टॉप हो जाएगी, सिर्फ ये ही नहीं, अगर आप नीचे से भी कोई हिस्सा स्टॉप करना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये कर दिया तो ये देखिए, अब हम इसको नीचे करेंगे तो फिर ऊपर का डाटा इधर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ नीचे का ही लेगा। और अगर आप सिर्फ ऊपर के हिस्से को करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करके पहले अनफ्रीज पेंस कर देंगे जो आपने पहले फ्रीज कर रखा है, और अब इधर से फ्रीज पेंस ये आप कर दोगे। और अब आप देखिए कि जैसे भी आप डाटा ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर की जो ये लाइन है ये कहीं नहीं जाएगी, ये इधर ही रहेगी, जिससे आपको डाटा पढ़ने में आसानी होगी। और इसी के साथ अगर आपको कोई कॉलम फ्रीज करना है तो उसके लिए भी सेम है, इधर आप क्लिक करोगे, इधर अगले कॉलम पे आप क्लिक करोगे और फिर पहले हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं और अब हम इसको फ्रीज पेंस ये हमने उपयोग करा। और इधर आप देख सकते हो कि इधर ये जो डेट है ये इधर ही फ्रीज हो चुकी है। अब इसके अलावा इसमें दो ऑप्शन और है, अगर आपको सिर्फ पहली लाइन ही ऊपर के जैसे शुरू के जो रॉ है और इधर कॉलम ये ही सिर्फ आपको फ्रीज करनी है, बीच को कोई हिस्सा नहीं करना, तो आप फ्रीज पेंस की जगह फ्रीज टॉप रॉ, मतलब सबसे ऊपर की जो टॉप रॉ है ये आप इसमें फ्रीज कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम इसको इधर फ्रीज कर सकते हो। इसमें ये अलग से भी ऑप्शन दे रखा है, जैसे हम फ्रीज टॉप रॉ ये हमने कर दिया
तो अब आप देखिए ये इधर से फ्रीज हो गया, ठीक। अब ये तो है फ्रीज पिंस। अब हम आपको बताते हैं स्प्लिट के बारे में। अब इसमें दोस्तों आप ये देखिए कि ये पूरा जो टेबल है बहुत बड़ा है। अगर आपको ये टेबल ऊपर और नीचे का हिस्सा किसी वजह से एक साथ देखना है तो आप किस तरह से देखोगे, तो उसके लिए आप इधर ये जो ऑप्शन है स्प्लिट, न्यू विंडो के सामने स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो कि इसमें ये चार भागों में टेबल बन गया है। और इसमें हर टेबल को आप अपने अनुसार अलग अलग से मूव कर सकते हो, जैसे ये आप अलग से कर सकते हो और ये इसमें अलग से कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप इनको अलग से मूव कर सकते हो। और इसमें से अगर आप इसके चार भाग नहीं सिर्फ दो ही भाग रखना चाहते हो, तो जैसे हम इसको हटा देते बीच में से, तो आप इसको साइड में ले जाओगे, ये हट गया और अब इसके सिर्फ दो ही भाग रह गए, चार भाग नहीं, और आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हो। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि फ्रीज पेंस और स्प्लिट आप किस तरह से एक्सेल में उपयोग करोगे। अगर वीडियो अच्छी है आपको लगी तो हमें लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें बहुत सहायता मिलती है आगे ग्रो करने में। और ऐसी वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।